हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 3। ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा, आई वाज नॉट वेल, सो थोड़ा इसको डिले हो गया, लेकिन अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन नंबर 3 है, यहाँ पे कुछ और सम्स लूंगा मैं। आई विल एक्सप्लेन यू किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के और सम किए जाते हैं, सो प्रैक्टिस आपकी बेटर हो जाएगी एंड You can use all the extra sums which I have taken in my videos as a practice sum. फिर उसको आप practice में ले सकते हो, solve कर सकते हो, और कुछ doubt होगा तो आपको पता ही है कैसे communicate करना है। Video number 3, chapter number 14, banks and simple interest. Here we go. Introduction number 3. The first question which we have is define simple interest. Find simple interest when a principal amount 4,500. Rate of interest is 4% per annum and time is 6 months. What do you mean by this? क्या आप इससे निकाल सकते हो, आप डेटा इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो? प्रिंसिपल मतलब आपका इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था आपने कुछ पैसा डाला, कितना डाला वो आपका प्रिंसिपल है। आपको उसके रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, सो आपको वो इंटरेस्ट के रूप में परसेंटेज दिखाएगा कि 4%, 5%, 10% पर एनम जो भी होगा, साल का एक इंटरेस्ट बनता है। अच्छा, आप उसको 6 महीने के लिए यूज करो, हजार या एक साल के लिए यूज, हजार साल नहीं, एक साल के लिए यूज करो, या तो फिर आप उसको 2 महीने के लिए यूज करो। अकॉर्डिंगली योर इंटरेस्ट वुड गेट डिवाइडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज किसी को एक साल के लिए दे दिया, ठीक है, और आप उससे रिटर्न जब लेने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो इट वुड बी 10% का। सपोज फिक्स हुआ है कि 10% का इंटरेस्ट मुझे चाहिए एक साल के बाद, जब मुझे रिटर्न पैसा दोगे आप, बराबर। सो आपको कितना मिलेगा? 100 का 10% विच इज 110 मिला के, मतलब 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है। सो 110 इज योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज योर अमाउंट। आपको फाइनल अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ मिला के, बराबर। लेकिन अगर आपने मूड चेंज कर दिया, आपने बोला कि 6 महीने में मुझे मेरा पैसा चाहिए, 100 रुपए दिया हुआ है मैंने तुझे, ऐसा आपने बोला, सो आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपने वो इंटरेस्ट बोल दिया है, सो आपको अभी 10% निकलेगा तो 10% 100 रुपीज का, लेकिन वो 10 रुपए जो कि 10% ऑफ 100 होता है, अब वो 10 रुपए नहीं रहेंगे। एक साल के लिए 10 रुपीज, 6 मंथ के लिए 5 रुपीज, सो आपको मिलेगा 5 रुपीज। इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है और फिर आपको कैलकुलेट करते जाना है। अच्छा, आपको याद रखना है जो टाइम है वो आपका मंथली नहीं होगा, उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। सो जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। लेट अस सी किस तरह से करना है। प्रिंसिपल इज बीन गिवन, योर प्रिंसिपल इज 4,500 एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीन गिवन एज 4% पर एनम, राइट। अच्छा, What is the time period? Time period is 6 months, guys. जो 6 month है ना, you'll have to convert it into year. See, 1 year is 1/1, मतलब basically divide by 1 करते हैं अगर हम कोई भी चीजों को year में convert करना है, और divide by हम 12 करते हैं। See, अगर आपने बोला 6 month तो 6 divided by 12 मतलब half year. अगर आपको आपने बोला कि मैं 4 महीने के लिए 4 month के लिए अगर लेना चाहता हूँ पैसे, 4 month का calculation करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट तो आपका कितना होगा? 1 साल का होगा। सो 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो यू शुड डिवाइड बाय 12। इफ यू आर कन्वर्टिंग मंथ इनटू ईयर, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ शुड गेट डिवाइडेड बाय 12 व्हिच इज 1 ईयर। 12 मंथ मतलब 1 ईयर, राइट। सो यहाँ पे हमारा 6 है, 6 मंथ मतलब 6/12 दैट इज इक्वल टू हाफ ईयर। All these values you will substitute in the formula which you know that simple interest is equal to P into R into T upon 100. So this is 4,500 into R is 4 into T is 1 upon 2 guys into 100. Barabar, ye do zero cut ho jayenge and you are left with 2 2s are 4 and this is equal to 90. So 90 rupees is your simple interest. So find the simple interest. Your simple interest is 90 rupees, guys. Understood? आगे बढ़ते हैं। Direct application formula क्या है? ठीक है? चलो देखते हैं second question. Principal is being given. Rate of interest you are being given, and time period is 4 months now.
इट इज नॉट नॉट सिक्स मंथ, इट इज फोर मंथ. अच्छा सिक्स मंथ मतलब कितना था, 6/12 हाफ ईयर. फोर मतलब फोर मंथ मतलब 4/12. अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू मिलेगा ईयर में, बराबर. सी प्रिंसिपल इज बीन गिवन दैट इट इज 12,000. यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 18% पर एनम, पर एनम. ओके यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स. सो इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स मंथ कैन बी कैलकुलेटेड इन ईयर, मतलब दिस इज इक्वल टू 4/12, दिस इज इक्वल टू 1/3 ईयर, बराबर 1/3 ईयर. सो therefore simple interest is given by, simple interest is p into r into t upon 100, and now substituting the values, this is 12,000 into 18 into t is 1/3, please do remember, okay, into 100, 1/3 is your t, aapko dhyan mein rakhna, ye 0 0 cut ho gaya. So basically it is, अच्छा 3 1 3 3 6 18, दिस इज 120 × 6, दिस इज इक्वल 720 रुपीस. सो इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 4 मंथ्स एट द रेट 18% पर एनम इज 72 रुपीस. अंडरस्टूड गाइस, आ रहा आप लोगों को समझ में? आगे बढ़ते हैं. नाउ हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आज का जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो देखते हैं. इन ऑल बेसिकली मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन मिला के नहीं बोल रहा, 5 क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट. सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 16,900 रुपीज एट द रेट 5% पर एनम एंड दैट टू फॉर 2 ईयर्स. इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. कैसे, वही करेंगे हम लोग. हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल का वैल्यू लिखेंगे, दिस इज 16,900 रुपीज. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू 5% पर एनम एंड दिस इज टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स. टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, बराबर. अच्छा टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो गया. अभी अपने को क्या करना है, डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो दिस इज इक्वल टू 16,900. वी आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज गिवन. यू हैव पी का वैल्यू, यू हैव आर का 5. सी यू आर डायरेक्टली हैविंग टी का वैल्यू इन ईयर्स, मंथ्स में नहीं है. मंथ में होता है तो डिवाइड बाय अपन 12 करते हैं, बराबर. दिस इज 5 × t, टी इज 2/100. यू विल कैंसिल दीज 0 0s एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 169 × 10. दिस इज इक्वल 1690 रुपीज. So this is the interest which we are going to get after 2 years for 16900 principal at the rate 5% per annum. Easy? It is very easy. आ रहे आप लोगों को समझ में guys? चलो आगे बढ़ते हैं. Now the third question we are going to do. ज़्यादा नहीं है. Third, fourth, fifth. तीन question और total 3 questions रहेंगे. 3 को मिला के. ठीक है, इसको मिला के. So इतना ज़्यादा बड़ा video करूँगा नहीं मैं. Now I invested 5,000 rupees in a bank, in the bank at 5.4% per annum for 3 years. Directly we'll write the values. P is equal to 5,000 rupees. Rate of interest is equal to 5.4% per annum, and this is for 3 years. This is 3 years. How much interest will I earn? So this is therefore simple interest is been given by P into R into T upon 100, and that is, this is equal to 5,000 into 5.4 into 3 upon 100, right? Simple. Now 0 0 cut कर देंगे हम लोग. This is 50 × 5.4 × 3. अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन देखना गाइस, कैलकुलेशन देखना. दिस इज 5 × 10. मैंने 50 को स्प्लिट किया 5 × 10 एंड दिस इज 5.4 × 3. या आई नो आपके दिमाग में सवाल आ गया होगा, और वैसे भी बहुत ज्यादा अगर सवाल आते हैं तो आप मुझे 7304607523 पे पिंग कर सकते हैं. मतलब पिंग मतलब यहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई द क्वेरीज व्हिच यू हैव आस्क्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो जितना हो सके, नो पर्सनल चैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू नाउ 5 × 10 मैंने स्प्लिट किया, बेसिकली 50 को 5 × 10
अच्छा, मैं अगर इस ये जो 5.4 है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो डेसिमल जो है ना आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे मतलब राइट साइड में क्या हो जाएगा, दिस इज 54 × 3। रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन के ट्रिक्स याद रखो गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 10 × 5.4 किया, दैट हैज बिकम 54। याद रखना, सपोज आपके पास 2.3 × 10 करोगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में, 23 हो जाएगा। और अगर 2.3 × 100 होगा तो क्या करोगे आप, एक दो दो बार आगे जाएगा, मतलब बेसिकली आपके पास 230 आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल आपका दो आगे शिफ्ट हो जाएगा। रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, नाउ दिस इज इक्वल 15 × 54 एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई 54 बाय 15, सो दिस इज 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, दिस इज 810, तो यू आर गेटिंग द आंसर एज 810 rupees। Guys, 810 is your answer, and that is the interest which I will earn if I invest 5,000 for 3 years at the rate 5.4% per annum. Right? So 3 साल के बाद आपको 810 rupees मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। Fourth one. Fourth one में हम लोग करेंगे, इंदर invested 10,000 rupees into an investment. इंदर ने invest किया 10,000 rupees जो कि 6% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट बेसिस उसका कैलकुलेशन होता है। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, सो डायरेक्टली डालना है, पी का वैल्यू डालना है, दिस इज 10,000 rupees। अभी मैं क्या बोलूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और आपका इंटरेस्ट जो है, हाँ उसमें टी दिया हुआ है 2 इयर्स, वो बोल रहा है 2 साल के बाद क्या हाल चाल होने वाला है। सो आफ्टर 2 इयर्स लेट अस सी व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है या उसका फॉर्मूला है P × R × T/100। सो दिस इज इक्वल टू 10,000 × R × T/100, यू आर कैंसिलिंग 0 and 0, सो यू आर गेटिंग दिस इज 12 × 100, दिस इज 1200 rupees। सो 1200 rupees इज द इंटरेस्ट which you are getting on 10,000 for 2 years, yeah, after 2 years, the end of 2 years, at 6% per annum. Understood guys, आप लोगों को समझ में आ रहा है, it is easy, it is not that difficult, please do understand this, ठीक है, 1200 rupees आपका क्या है, interest आ गया है 2 साल के बाद। And the last question for this particular video would be this, यहाँ पे हमें क्या करना है, सलील बोरोड 2100 rupees, योर प्रिंसिपल इज 2100 rupees एट द रेट 12% पर एनम, मींस इट इज द रेट रेट व्हिच इज 12% पर एनम फॉर 2 इयर्स, मतलब टी इज इक्वल टू 2 इयर्स। सो हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे, यू विल हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड देन व्हाट इज द अमाउंट ही विल हैव टू रिटर्न एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। सलील बोरो 2100 rupees 12% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, 2 साल के बाद उसको पे तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा और 2 साल के बाद उसको अमाउंट कितना देना पड़ा फाइनली जिससे उसने बोरो किया था। सी सबसे पहले आप क्या करो, इंटरेस्ट निकालोगे, आपने एक बार इंटरेस्ट निकाल लिया, बाद में आप क्या निकालना चाहते हो, अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको फाइनल अमाउंट देखना है, that is principal plus simple interest. So पहले simple interest निकालेंगे, what is simple interest, this is equal to P × R × T/100, so that is ये 0 0 कट हो गया, so this is 21 × 12 × 2, बराबर 42 × 12, and your इंटरेस्ट वो जो 12 × 24 and 12 × 40 = 504 rupees, 504 rupees is your interest, but what is the amount, yeah, looking amount at the end of 2 years, at the end of 2 years is equal to P plus simple interest, and that is equal to 2100 plus simple interest is 504, and this is equal to 4062604. So 2604 is the amount, final amount जो वो पे करेगा रिटर्न में। से आप एक यहाँ पे ध्यान रखो, उसने 2100 बोरो किया, 2100 उस पे उसको कितना पे करना पड़ा एक्स्ट्रा 504, तब जाके उसको फाइनल अमाउंट है 2604। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है।
सो इस तरह से अपने को ये सारे सिंपल इंटरेस्ट के सम करने हैं। अब बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत कुछ ज़्यादा अपने को है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ही चैप्टर है। इसमें एक्चुअली देखा जाए डिस्काउंट, मार्क प्राइस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब ऐड होने वाले हैं आगे, लेकिन आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए तो इतना ही। आगे के वीडियो में आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट की तरफ ले जाऊंगा और वही हमारा फाइनल वीडियो होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्लीज डू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग दिस प्लेटफॉर्म। होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई ट्राई टू टीच। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, इसी तरह याद करते रहो, खुश रहो। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।